तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत कैसे है। आप ये देखिए कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहती क्या है कि कुछ लोग सेंट्रल इंडिया में रहते थे और वो आए और इंडिया में रहने वाले द्रविड़ियंस पे राज किया। ये थ्योरी गलत कैसे है, इसके लिए हम दो पॉइंट पे ध्यान देंगे। पहला, इसको हम लोग बात करेंगे डीएनए, और दूसरे की हम बात करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे वैदिक पीरियड। पहला, आप ये देखिए कि हमारे इंडिया में जितने भी आज लोग रहते हैं उनका किसी भी सेंट्रल एशियन लोगों से डीएनए मैच नहीं करता। मैच किससे करता है? नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इनमें रहने वाले जो लोग हैं इनका डीएनए 80-98% तक मैच करता है। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं यहीं के वंशज हैं, हमारे डीएनए यहीं से, जीन्स यहीं से निकलती आई है। तो पहला, डीएनए थ्योरी ये कहती है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी रॉन्ग थी। नंबर सेकंड पे हम आते हैं, वो है वैदिक पीरियड। जो ब्रिटिशर्स ने हमें बताया, जो कालखंड, जो टाइमलाइन हमें बताई गई है, उसमें इन्हें कहते थे कि यहां पर सरस्वती नदी थी ही नहीं। लेकिन वहीं हम अगर वैदिक कल्चर या ऋग्वेद को पढ़े तो वो बताते हैं कि हमारे पास में सरस्वती नाम की रिवर हुआ करती थी, और ये रिवर के बारे में इतने दिन को लोग यकीन नहीं करते थे। लेकिन आज अगर हम लोग किसी भी स्पेसशिप के ऑब्जर्वेटरी से बात करें तो जहां से सरस्वती नदी बहती थी उसका पूरा का पूरा बेसिन दिखता है। तो दो थ्योरी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी बिल्कुल भी गलत है, और ये हमारे इंडियन स्टडीज में पढ़ाया नहीं जाता है। हमें बार बार हम पे थोपा जाता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी। आज इतना ही है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।